हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं शिव मंदिर शिवरात्रि के दिन। और ये देखो मेरे साथ, ओए आ जा इधर, ये देखो मेरे साथ ये, और ये काजिया भी है, मैं मेरे व्लॉग दिखा के। और चलो चलते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। ये देखो देखो हम चौपाटी आ चुके हैं, थोड़ा ही दूर है, और शिव मंदिर तो बहुत दूर है। क्या पता सर जाने दे रहे हमको, उनसे उनको मनाना पड़ेगा कि सर जाने दो। ये वो नए चाय का उद्घाटन हुआ है, नई दुकान का ओपनिंग हुई है उसकी। गाइस देखो वो भांग बन रही है, भांग भोलेनाथ की प्रसाद। ये देखो अभी बंटना शुरू नहीं हुई है, थोड़ी देर में बट जाएगी। देखो गाइस जो यहाँ पे बट रही है, पहले हम यहाँ जाएंगे, वहाँ पर बंटना शुरू नहीं हुई है। चलो चलते हैं। ये देखो ये भांग है, चलो चलते हैं लेने। गाइस ये देखो मैंने ले लिया, मैं जा रहा हूँ। देखो ये भी लेके आ गया है, अब ये पियेंगे। ये आदित्य, ये दिलराज, ये भी लेगा, ये पी ली हमने। अब हम जाएंगे दूसरी जगह, वहाँ जो बटरी है वहाँ जाएंगे अब। देखो यार अनंत जल्दी कही दो यार, वना ही थे यार फिर मैं शिव मंदिर जावा यार, लेट वही रहा मैं यार। यहाँ ये छोरा भांग पीवाते तरसी रहा यार, ये तरसी रहा यार भांग पीवाते जल्दी जल्दी। देखो इस कल में वो को भेजा है पूछने के लिए कितनी देर है, कितनी देर लगेगी, 5 मिनट का बोल रहे यार वो। दोस्तों वो लोग गए हैं अभी लेने, वो लेने गए हैं अभी, लेके आए इधर भी लाना है ना, हम लोग अभी यहाँ पे इधर भी लाना। अरे अरे रुकी जा, शांति राख ले, लाइन आई रो है, थोड़ा आराम थी। देख लो गाइस वो लाइन आई रो है, सुनील और देखिए दोस्तों अभी हम लोगों ने मंगवा लिया, हमारी भांग तो आ गई है। अभी हमारे दोस्तों की बाकी है, अभी वो उनके लेके आ रहे हैं। वो देखिए इतनी भीड़ हो चुकी है गाइस चौपाटी पे अभी। दोस्तों अभी इतनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पर, देखो बहुत संघर्ष करना पड़ा दोस्तों, घणो संघर्ष करना पड़ो मैंने लावा। जय हो भोले बाबा की। तो देखिए दोस्तों अभी हम लोगों ने भांग पी है, और अब हम सोच रहे हैं मंदिर जाने का, क्योंकि रास्ते में पड़ गया था चौपाटी पे। तो अब हम जाएंगे बाजार, पिपली बाजार में जाएंगे शिव मंदिर पे। ये चौपाटी पे इतनी सारी भीड़ हो रही है दोस्तों, आप देख सकते हो। दोस्तों ये देखिए चौपाटी, अभी हम चौपाटी से जाएंगे। तो देखिए ये चौपाटी, अभी हम चौपाटी से जाएंगे बाजार में। हम सोच रहे हैं टेम्पो करें या नहीं करें, पैदल चले जाएं। सुनील आप क्या कहते हो, टेम्पो से चलें पैदल चलें, आनंद लेते हुए बीच में पटाखड़ी को देखते देखते चलेंगे। गाइस बहुत सारी पटाखड़ी दिखती है हमें बीच में, और हम उन्हें देखते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं। सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये देखिए ऐसे हमारी नज़र पूरी घूम जाती है अगर कोई दिखती है हमें तो, ये ऐसी पटाखड़ी गए। ये अभी हम चौपाटी से निकल रहे हैं, अभी हम चौपाटी से निकल रहे हैं। देखो दोस्तों सामने बहुत बढ़िया पटाखड़ी खड़ी हुई है, ये देखो ये मैं आपको बता दूँ। उसमें सामने देखा यार, क्या करो आपको शक्ल नहीं दिखी होगी। देखो दोस्तों आगे से और बहुत ही सारे पटाखड़ियाँ दिखती जा रही है, बहुत ही अच्छे अच्छे। और ये मेरा दोस्त हंसने लगा, और ये इनका तो क्या बताओ क्या ही बोलो। और अच्छा तेरी तरफ देख रही थी वो, बिल्कुल आदित्य की तरफ देख रही थी। चलो बहुत ही बढ़िया छोरिया, आगे तो बहुत छोरिया दिखेगी यार, क्या करो, कंट्रोल करना है ना गिरीश, निकल जाती है ना। ये दिलराज ये कलमों का कोई नहीं देखेगा कालिया। देखो दोस्तों ये फाटक बंद है, और हमको क्या करना, हम तो पैदल जाने वाले हैं। देखो दोस्तों भीड़ ही भीड़, फाटक खुल गई। देखो हम जा रहे हैं पैदल पैदल, और हम फाटक चुके अभी से, तो अभी तो बहुत आगे जाना है हमको। वो छोरियाँ भी बहुत बढ़िया बढ़िया दिख रही है गाइस, और कोई पटेगी नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि हम सिंगल ही रहेंगे। ये देखो देखो दोस्तों हम मार्केट में आ गए हैं, और थोड़ा ही दूर और बचा है, पास नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है। देखो वहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम दिख रहा है मेरे को,
चलो वहाँ जाके भांग देखेंगे मिल रही। चलो दोस्तों भांग पियेंगे। चलो चल तू गिरीश तू लेके आ मेरे लिए। ये गिरीश लेने गया है। देखो दोस्तों यहाँ की भी चकली है। दिलराज कैसी लगी? देखो दोस्तों ये शिव मंदिर आ गया है, अभी हम जाएंगे दर्शन करने। ये देख लीजिए देखो ये भैया ये मन तू भी बनाएगा है। चलो देखो दोस्तों बहुत भीड़ हो गई। ये देखो आने वाले हम अंदर थोड़ी देर में दर्शन करेंगे। मंदिर क्या मंदिर बहुत थोड़ी दूर है और बहुत भीड़ है, रुकना पड़ेगा। चलो जल्दी करो, एक मिनट रुक जाए। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं दर्शन करके, अब जाना है हमको हॉस्टल और जाके खाना आना खाएंगे। अभी एक और ग्लास और ये दोस्त लो। दोस्तों इसको अपनी क्रश नहीं मिली इसलिए वो थोड़ा नाराज चल रहा है। ये देखो गिरीश खुश नहीं है क्योंकि ये चाहता था कि इसकी क्रश मिले यहाँ मंदिर में। तो दोस्तों मुझे मेरी क्रश मिल गई थी तो उससे बात करी मैंने, बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिल गया मेरा। और ये चलो चलते आगे, बहुत ही बढ़िया और कोई लड़की मिल जाए दोस्त अपनी। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं हॉस्टल के लिए निकल चुके हैं हम और बस बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों ये देखो ये जावरा की कोर्ट है और आपको कुछ केस करवाना हो तो यहाँ आ जाना। ये देखो ये कोर्ट है, रात में दिखेगी नहीं, कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया है हमारी। और हम हॉस्टल जाने वाले हैं, थोड़ा और दूर है, फाटक पार करने पड़ेगी अभी। तो राज है इसकी सेटिंग नहीं मिली, मतलब इसकी क्रश नहीं मिली इसको, तो ये थोड़ा एक पटाखड़ी के लिए नाराज हो गया। और अब हम जाएंगे थोड़ा खाना आना खाएंगे। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मेरी ओर से आप सभी को, आपके और आपके परिवार को शिवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा मेरा व्लॉग, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।